अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल हैं आपके? आज मैं आपको गोला कबाब बनाना सिखा रही हूँ, तो आइए देखें हम क्या मिलाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने गाय का कीमा लिया है, तकरीबन ये है आधा किलो के करीब। ये कीमा लिया। इसके बाद हमने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक दोनों मैंने मिला के पीस लिया था। इसके बाद हमने डाला लाल मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और ये ब्राउन प्याज मैंने की थी, ब्राउन प्याज डाल रहे हैं इसमें, ब्राउन प्याज और ये हरी मिर्चें हैं, ये भी डाल देंगे हम। और ये अनारदाना है, ये भी डाल देंगे थोड़ा। अच्छा, हम इसकी बाइंडिंग के लिए, थोड़ा अच्छी बाइंडिंग हो जाए, तो इसमें हम कॉर्न स्टार्च और ये चने का पाउडर हम डाल रहे हैं इसमें। थोड़ा सा हम इसमें तेल डाल देंगे। हसबे जायका, जितना आपको पसंद हो उतना नमक डाल लेंगे। वन टेबल स्पून हम घी है, इसमें दही डाल लेंगे। दही बिल्कुल खुश्क होनी चाहिए, पानी वाली नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके पास अनार है, अनार पपीता है, तो पपीते का आप जो है इसमें पाउडर डाल सकते हैं, या पपीता पीस के डाल सकते हैं। तो मेरे पास पपीते का पाउडर है, ये मैं डाल रही हूँ। अभी इसको सबको मिला के हम पीस लेंगे, ग्राइंड कर चॉप कर लेंगे। इसे हम बंद कर देंगे। और ये अच्छी तरह पिसा गया है, अब इसको हम किसी डिश में निकाल लेंगे। अच्छा, ये देखें, ये बॉल में रख के मैंने इसमें बीच से बॉल में एक होल सा बना लिया है। इसके अंदर मैं फॉइल पेपर रखूँगी और इसके बीच में मैं यहाँ पे कोयला रखूँगी, उसका धुआं दूँगी। ये देखें, मैं इसके बीच में कोयला रखी हूँ, इसको मैंने अच्छी तरह सुलगा लिया है। अब इस पर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको हम ढक के छोड़ देंगे थोड़ी देर। देखिए, 2 मिनट हमने रखा है इसको। अब इसका ढक्कन हटाते हैं, इसका धुआं निकलता है और हम ये कोयला उठा के बेसन में फेंकते हैं, वो सिंक में। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसके हम कबाब बना लेंगे, गोला कबाब का शेप दे लेंगे इसको। देखिए, मैंने हाथ से बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स कर लिया है और इसमें धुआं वगैरह भी भर गया, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। अब इसका हम गोला बनाना शुरू करते हैं। पहले हम हाथ में थोड़ा ऑयल लगाएंगे, ये हमने ऑयल लगाया। अब हम ये उठाएंगे इसको, थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी सी हम गोलियाँ टाइप पर बनाएंगे इसमें। ये देखें, इस तरह की बनाएंगे हम, इस तरह की गोलियां बनेंगी। अब इसके बीच में हम स्ट्रॉ डाल के सेट करेंगे इसको। ये देखें, ये मैंने स्ट्रॉ डाला, ये कितना अच्छा बन गया, देखें बिल्कुल सेट हो गया ये। अब इस स्ट्रॉ को हम निकाल लेते हैं, देखें कितना अच्छा बना ये। अब इसको हम रखते हैं प्लेट में। इसी तरह हम सारे बनाएंगे, इसी तरह हम सारे बना लेंगे। हाथों में अपने तेल लगाते रहेंगे ताकि चिपके ना। ये देखें, हमने इस तरह बनाया,
अगेन हमने ये देखिए स्ट्रॉ से करो और इसको सेट किया स्ट्रॉ से, ये हो गया, ये देखें बन गया। इसी तरह हम सारे बना लेंगे। ये देखें हमने सारे कबाब बना लिए हैं, अब इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखें अब हम पैन में तेल डालेंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे। ये सारे हम इसमें डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। सब फ्राई हो जाएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे, ये खाने में बहुत अच्छा है। ये देखें सारे ये फ्राई हो जाएंगे सब। आप इस तरह का चिकन का भी बना सकते हैं, मटन का भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, जो भी आप ले लें, चिकन ले लें, मटन ले लें, बीफ ले लें, जो भी ले लें। अभी थोड़ी देर इस तरह फ्राई होंगे, ये देखें इस तरह फ्राई हो रहे हैं सारे कबाब। अब हम इसको हल्के हल्के सा पलटेंगे और देखेंगे, ये देखें नीचे थोड़ा ब्राउन हो रहा है, ये देखें सब बहुत अच्छे लग रहे हैं और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, हल्के हल्के से ब्राउन हो रहे हैं, अब ये पक रहे हैं, थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे। ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे तो अंदर से गल भी जाएंगे और पक भी जाएंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे ढक देते हैं। ये देखें अब हम देखते हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, खुशबू भी अच्छी आ रही है, फ्राई भी अच्छे हो गए, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये माशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबके दस्तखान को हरा भरा रखे, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे। बहुत अच्छे बने हैं ये कोफ्ते, कबाब कह लें, कोफ्ते कह लें, लेकिन बहुत अच्छे हैं। अच्छा अब ये तो तैयार हो गए, देखें पूरे ब्राउन भी हो गए, अच्छे भी हो गए और अच्छी तरह फ्राई भी हो गए हैं। अब इसको हम हटा के सीजनिंग इसके बनाते हैं। ये देखें मैंने एक अलग से पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप इसमें कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आपका दिल चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा गर्म हो जाए ना, हल्का सा गर्म हो जाए, फिर इसको इसमें हम डालते हैं ये प्याज। ये प्याज हमने काट के रखी थी थोड़ी, इसको काट के हल्का सा सौते करेंगे, हल्का सा। हाँ क्या इसको सौते करेंगे, नरम हो जाएगा। देखें प्याज थोड़ी नरम हो गई है, अब इसमें हम ये पूरे डाल देंगे। बेहतरीन बन गया ये, इसको आप सॉस के साथ खाएं, हरी चटनी के साथ खाएं, रायते के साथ खाएं, बहुत मज़े का लगेगा, पराठे के साथ खाएं। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है, आप भी बनाएं और सबको खिलाएं, खुद भी खाएं, अपनी दावतों में बनाएं। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़।